हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे डेंटल ब्रेसेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेंटल ब्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, बैंड क्या होता है, वायर क्या होता है और ब्रेसेस कैसे काम करते हैं। जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो आपको डेंटिस्ट ब्रेसेस लगवाने की सलाह देते हैं। अब ये ब्रेसेस दो टाइप के हो सकते हैं। पहले जो है ये ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस हैं, जो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे आपको अगर आप अपने मुंह में लगाते हैं। ये सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। दूसरी तरह के ब्रेसेस होते हैं मेटल ब्रेसेस, जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये ब्रेसेस हैं और जो ये बीच बीच में आपको बड़े से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसे हम ब्रैकेट कहते हैं। तो इसमें जो ब्रैकेट है वो मेटल के रंग का है और जो सिरेमिक के ब्रैकेट हैं वो व्हाइट कलर के आपको नजर आते हैं। व्हाइट कलर के जो ब्रैकेट होते हैं, इनका जो कॉस्ट है वो मेटल ब्रैकेट के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ब्रैकेट के साथ ही ये बीच में वायर लगी होती है, जिसे हम आर्च वायर कहते हैं। यही वायर आपके दांतों के ऊपर प्रेशर डालती है, इसलिए हर 21 दिन में जब आपका ट्रीटमेंट होता है तो आपकी विजिट होती है, जिसमें ये वायर को हम चेंज करते हैं। अब इसके साथ ही आप देख रहे होंगे ये कलरफुल बैंड्स हैं, इसमें ये ब्लू कलर है, इसमें रेड कलर है, इसमें ये पर्पल कलर है। तो अलग अलग कलर के बैंड जो है वो अवेलेबल होते हैं। हर विजिट में आपके डेंटिस्ट आपका ये बैंड चेंज करते हैं, इस बैंड को निकाल के दूसरे कलर का बैंड। अगर आप चाहें तो आप इसमें व्हाइट कलर का बैंड भी लगवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ब्लू, रेड, जो भी आप कलर पसंद करें आप उस कलर का बैंड अपने ब्रैकेट्स के ऊपर लगवा सकते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ज्यादातर केसेस में ये ब्रैकेट जो है ये निकल जाता है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई एक ब्रैकेट निकल जाता है तो हम दोबारा से उस ब्रैकेट को उस दांत के ऊपर लगा सकते हैं। अगर बैंड टूट जाता है, बैंड निकल जाता है, तो एक पर्टिकुलर बैंड भी चेंज हो जाता है। इसी के साथ अगर आप पीछे देखें तो जो प्रॉब्लम आती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान, जो लोगों को लगता है ये जो वायर है ये उनको चुभती है, काफ़ी केसेस में लोगों को ये वायर चुभती है। ऐसे केस में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना होता है, वो इस वायर को छोटा कर देते हैं, काट देते हैं या फिर मोड़ देते हैं। पर अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं और फिर आपको ये वायर चुभ रही है, तो ऐसे केस में आप अपने घर में वैक्स रख सकते हैं या अपने डेंटिस्ट से पहले ही विजिट में वैक्स ले सकते हैं। उस केस में आप यहाँ पर एक छोटा सा वैक्स का वाइट टुकड़ा लगा सकते हैं, जो कि इस वायर को चुभने से रोक देता है, तब आपको ये वायर नहीं चुभती है। और ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के दौरान आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या आप करवाना चाहते हैं, तो बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये आपको ब्रैकेट सेलेक्ट करना होता है, या तो आप ये सेलेक्ट करते हैं या तो आप ये सेलेक्ट करते हैं। अब अगर आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इसकी सफाई कैसे करें, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट कराते हो तो यहाँ खाना फंसता है, यहाँ खाना फंसता है। दांतों की सफाई उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको दांतों की सफाई से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जा सकते हैं। कैसे आपको सफाई रखना है, 5 बेस्ट तरीके कौन से हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे। तो ये है ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस, उसके दो टाइप और उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।